अब भगवान ने दिमाग सबको दिया, बुद्धि सबको दी, पर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। इस लॉबी की सबसे बड़ा फीचर ये है, इसको दूसरों की जिंदगी के बारे में सबकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। यही तो है 95% सरप्राइज कर देगा तुमको बोल, और तुमको मन का घुमा के तो तीन हाथ मारेंगे, जब इससे तुम बात करो विद इन 5 मिनट्स तुमको पता चल जाएगा कुछ न कर पाएंगे जिंदगी में। तो बगल बगल वाले लोग ले आओगे, इनको ले आओगे, उनको ले आओगे, ये फोटो खिंचाने आओ, फिर इसके पास सारे दुनिया का दर्द है। ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसका इसने सोल्यूशन ना निकाला। अब भगवान ने दिमाग सबको दिया, बुद्धि सबको दी, पर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। जिसके सर पे उसने हाथ रख दिया, समझ लो कयामत। अब जिनके पास विवेक है और जिनके पास नहीं है, ये जो ग्रुप है इसकी तुम बस दिनचर्या देखो, इससे बात करो। जैसे मुझसे लड़के मिलने आते हैं तो कुछ लड़के एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, आए मिलने, सर वो तैयारी करनी है, सर क्या करने है? मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एनसीईआरटी तैयार है, क्या है बैकग्राउंड तुम्हारा? सर वो इंजीनियरिंग की है। अच्छा, मतलब 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी? नहीं नहीं सर। तो जाओ किसकी एनसीईआरटी उठाओगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी किसकी? आप बता दो सर। ज्योग्राफी ठीक है, किस क्लास की? 6th। जाओ एक हफ्ते बाद आना। और वो और कोई बात ही नहीं करते मुझसे। ये लॉबी जब मुझसे मिलती है सिर्फ काम की बात करती, सिर्फ, बाकी कोई बात ही नहीं करती। ये जब लॉबी मुझसे मिलती है तब मेरे रिश्तेदार कहां रहते हैं, मेरे कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा वर्क करता हूं मैं, पढ़ाता हूं सिर्फ, कैसीनो भी है मेरा, जुआ अड्डा भी, नहीं 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 सुने थे सर आपका वहां पे। इस लॉबी की सबसे बड़ा फीचर यह है, इसको दूसरों की जिंदगी के बारे में सब पता, इस जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। यही तो है 95%। इसको सब पता है, ऐसी ऐसी बातें पता है इसको जिसका जीवन में इसके कोई मूल्य ही नहीं है। सरप्राइज कर देगा तुमको बोल के, और तुमको मन कहेगा घुमा के तो तीन हाथ मारेंगे, चुप गुरु जी ऐश्वर्य राय, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं नहीं का है? क्या मतलब है? ये जो लॉबी है ना, इससे तुम बात करो विद इन 5 मिनट्स तुमको पता चल जाएगा कुछ ना कर पाएंगे जिंदगी में। इस कंपनी की शर्ट, शैंपू और चश्मा और घड़ी, पता नहीं क्या क्या पता है। पैसा रखे हो? नहीं पैसा तो नहीं है। जब तुम शक्तिमान शक्ति हो जाएगी ना, लोग तुमको गिफ्ट देके जाएंगे सामान, तुम क्यों खरीदोगे यार? जिंदगी में सामान खरीदने के लिए पैदा हुए हो? तुम शक्ति पे काम करो, सब तुमको खुद ही, जिस एक से एक ब्रांड की घड़ी, गाड़ी, कार, मकान, जमीन, बंगला, क्या नहीं तुमको देंगे, सरकार तो देगी। तुम अभी से क्यों चिंता कर रहे हो कि यार राडो की घड़ी लगाए 2 लाख की, लगा रहे ना, तो रात में 9:30 बजे मिल गया, लाइट चली गई, ये जो है ये लॉबी, ये हाइजीन पे बहुत ध्यान देगी ये तो। अरे बाप रे बाप, जो जो कॉस्मेटिक्स तुमको बता देगा ये, तुम 12 बार सिर्फ मिनिमम सूर्य नमस्कार कर लो, पूरी शरीर पसीने से भीग जाएगी, मतलब ऐसा लगा कि 2-3 बाल्टी पसीना शरीर से बाहर निकल गया। और फिर तुम उसके बाद तुम अपने चेहरे की स्थिति देखना, 3 से शुरुआत करना, पहले दिन 12 ना करना, 15 का एक पैर आगे खींचे, किडनी बाहर आ गई, और जितने लोगों को करना हुआ करे वो सुबह मुझे मिलो 5 बजे, अभी बता देंगे, पर किसी को लेकर मत आना,
कोई भी अगर आया तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। कोई तुम्हारे साथ आएगी, भैया हमारे बगल में रहते हैं सर, फोटो खिंचानी है। हम जब तक रहते हैं तब तक कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन तुम फिर उल्टी सीधी हरकतें कर दोगे। तुम अगल बगल वाले लोग ले आओगे, इनको ले आओगे, उनको ले आओगे, ये फोटो खिंचाने आओ, फिर तुरंत शरीर में आग लग जाएगी कि पहले तुम्हें को मारे हैं, इनको बाद में मारेंगे। हम तो चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हम जो कर रहे हैं तो तुम भी करो, हमको फायदा मिल रहा है तो तुम्हें भी मिले। ये तो अलग अलग लॉबी है, ये दो अलग लॉबी, इसका परसेंटेज है 5 है तो 5 से भी कम, यही सफल है। ना इसका दिमाग भटकता है, ना ये परेशान होता है, मौन शांत। इसके पास सारे दुनिया का दर्द है। सलमान खान शादी नहीं कर रहा है, तुम्हें सेक्स चेंज करा के कर लो ना। तुम्हारे पेट में कहां दर्द हो रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अजीब अजीब इसको कष्ट है। इसके कष्टों को अगर तुम सुनो, इसकी दिक्कतों को, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा, 2050 तक 50% मुसलमान हो जाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे। 60 हो जाए तब भी कुछ ना कर पाएंगे, 80 हो जाए तब भी कुछ ना कर पाएंगे। ये देखो यहाँ, ये इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, ये सब अरब वर्ल्ड है, ये पूरा अरब वर्ल्ड है, ये पूरा अरब वर्ल्ड। और ये देखो इजराइल, तुमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा, तुमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा है। और सबको मारते हैं, सब दौड़ाकर सबको मारते हैं, सबको, ईरान, सूडान, किसी को भी। घर में घुस के काटे कैसे भैया? उस आदमी को इमिटेट करो, उस आदमी को पढ़ो, उस आदमी को समझो, उस आदमी को देखो। जैसे मैं सिखों को बोलता हूं, सिखों को देखो, कोई सरदार गुरुद्वारे के आके भीख नहीं मांगता। हम तो नहीं देखे। अकबर जो है वो इस ग्रुप में है, दिमागदार आदमी है, समझदार। औरंगजेब भी इस ग्रुप में है। इतना मुसलमान इसको लेके सेंसिटिव है, इतना। और सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे लगती है कि तुम यार खलीफा उमर के बारे में नहीं जानते, हजरत अबू बकर के बारे में नहीं जानते, हजरत उमर के बारे में नहीं जानते, तुम खलीफा हारून के बारे में नहीं जानते, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? नहीं नहीं, वो किताब लेके अंदर पैदा हुए थे। ये बढ़िया। मैं पूछता हूं कभी कभी, जैसे कुछ को लोग चर्चा कर रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा उन हारून साहब के बारे में बताइए। हारून गाड़ी बनाते थे, गाड़ी बनाते, खलीफा था बगदाद का, खलीफा। हमें लगा वो कानपुर में 80 फीट रोड जो है वहां पर गाड़ी वाड़ी बना। ये आदमी बुरा ऐसा नहीं कि कोई दुष्ट आदमी है, शैतान, ऐसा नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरत है और लोगों के बारे में जानने की। इसका पूरा अब तो खैर सिलेबस में ही नहीं है, वरना अगर तुम इसका पीरियड पढ़ो, इतना शानदार आदमी है ना ये, ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसका इसने सोल्यूशन ना निकाला हो। और बीरबल को तो इतनी झूठ है मजाक करने की, मेडिकल पीरियड में किसी को मजाक करने की झूठ नहीं थी, तुरंत गर्दन काट दी जाती थी। आप शहंशाह से मजाक नहीं कर रहे हो, आप अल्लाह के प्रतिनिधि से मजाक कर रहे हो, जिल्ले इलाही। तो अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, मैंने सपना देखा कि मैं शहद के नाले में गिरा हूं और तुम मैले के नाले में गिरे हो। उसने कहा सरकार सपना मैंने भी देखा। उसने कहा क्या? अकबर ने कहा तुम मुझे चाट रहे हो, मैं तुम्हें चाट रहा हूं। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा देखो बदतमीजी मत करो, बोले सरकार शुरू आप ही करते हो। अकबर की आदत थी मजा लेने की, कभी कभी मजा उल्टा पड़ जाता था। एक धोबी आता था अकबर राजमहल में,
उसका चेहरा अकबर से बहुत मिलता था। अकबर ने एक दिन उससे धोबी से मजाक किया, कहा हाँ भाई तुम्हारी अम्मी हमारे यहां काम करती थी। उसने कहा सरकार अम्मी तो नहीं अब्बा करते थे। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि जब नहीं झेल पाते हो क्यों सबको परेशान करते रहते हो, क्यों सबके साथ मजाक करते हो। लेकिन आदमी बहुत समझदार है, वो सब तो खैर अलग की बात है। आदमी गुजरात जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, जो भी यहां बैठेगा दिल्ली गद्दी पे उसको यहां गुजरात आना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान। जो दिल्ली बैठेगा ना उसको गुजरात आना है, गुजरात के बंदरगाह, और गुजरात के बंदरगाह कहां से कनेक्ट होते हैं, ईरान से, सऊदी अरेबिया से। तो दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजपूत लड़ना उनके लिए शौक है, मजा आता है उनको, सबको पानी पिलाया उन्होंने, इल्तुतमिश को, बलबन को, शेरशाह सूरी को। इसने राजपूतों से झगड़ा नहीं किया, राजपूत नहीं थी, दोस्त बना लिया उनको, दोस्त नहीं सहयोगी। ये होता है टैलेंट, जब तुम अपने दुश्मन को अपना सहयोगी बना लो।